Assalamu alaikum, this is zara Shafi, and you're watching a Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So, India defeated England by 68 runs. Now they will face South Africa in the final of T20 world cup on 29 june in barbados and the interesting fact is both the teams remain unbeaten in this tournament besides that bahabrias has also submitted a report to the pcb outlining the reasons behind Pakistan's poor performances this t20 world cup edition 2024 we'll discuss all these thing and lot more in today's show and to start our discussion we also do have a panel in our studios today i am joined by kis taruf ke mohtaj nahi hai baat kar rahi hu asghar azim ki asghar welcome to the show hope you are doing great thank you bahut shukriya aapne invite so, kiya aur देखें कि अब हम अपना सफर एंड की तरफ लेके जा रहे हैं Absolutely. और बात हो रही है best of the best की and there is no doubt India is shining. अब देखिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया इन शाइनिंग नासाफी है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है उसने भी तो अब तक कोई मैच नहीं हारा तो ऐसे में सारा बेनिफिट हम इंडिया को दे दें ये तो फिर साउथ अफ्रीका के साथ, साथ ना इंसाफ़ी है बल्कि साउथ अफ्रीका को बेनिफिट ज़्यादा जाता है कि आठ सेमीफाइनल खेलने के बाद अब फाइनल खेल लें पहला फाइनल लेकिन चोकर्स किसको कहा, है कहा जाता है स्क्वायर इंडिया कहा जाता था कहा जाता था इस बार मार्के में अभी भी नर्वस है वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं फाइनल खेलने नर्वस है वो देखिए नर्वस नहीं है ये पुरअज्म है और वो कह रहे हैं कि अपने फैंस को हमने बहुत टेंशन दे दिया था? है अब सुकून से रहें और आखिरी मार्के में कामयाबी हासिल करके अपने वतन टाइटल के साथ जाना है चैम्पियंस बन के जाना है यकीन भारत की भी यही ख्वाहिश है कि वो भी चैम्पियन बन के जाए और ख़ासकर रोहित शर्मा की चूँकि कैप्टन है जाहिर है उनकी मेहनत है और वो यकीन ये चाहते होंगे कि धोनी के साथ उनका भी नाम आए मेहनत भी है आई की फेवर भी है और इंडिया तो अब इतना रिलैक्स हो गया है कि उन्होंने आज प्रैक्टिस भी नहीं की है अब प्रैक्टिस नहीं की तो कोई इशू नहीं है कंटिन्यू मैच खेल ही रहे हैं तो इतना बड़ा असर तो नहीं होगा लेकिन मेरा ख्याल है कोहली को प्रैक्टिस करना चाहिए उन्हें नेट पे अपनी बैटिंग पे जो है तो देनी चाहिए ताकि वो कम से कम फाइनल में तो कुछ करके दिखाए असर सात इनिंग्स खेल चुके हैं पिछहत्तर रन बना चुके हैं पता नहीं इतने आउट ऑफ द कलर क्यों नजर आ रहे हैं और बिल्कुल एक ऑर्डनरी प्लेयर की तरह बिहेव कर रहे हैं हर शॉट पर मारना शुरू हो जाते हैं भाई मेरा ख्याल है कोहली के जो फॉलोवर्स हैं वो उनके लिए कोई करें दुआ शुआ कोई ऐसा रखें सिस्टम कोहली पे जो काले बादल आए हुए हैं या काले साय आए हुए हैं उनसे उनको बचाया या को काला जादू हो गया उन पे तो उससे उसको बचाएं और कम से कम फाइनल में देखे फाइनल में कोहली के परफॉर्म कर विराट कोहली पे काला जादू हो गया आप ये कह रहे हैं मुझे तो ऐसे ही लग रहा है की उसपे उसके मुखालफिन ने कोई ऐसा जादू वादू कर दिया जिसकी वजह से वो एकदम एक बंदा जो पूरे आई पी एल में इनफॉर्म था अचानक वर्ल्ड कप में आ रहे होल्डर है सात रन बनाए उन्होंने एकसठ की उनकी एवरेज है लेकिन बिल्कुल एक ऑर्डिनरी प्लेयर की तरह खेल रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इस पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है इस पर तो अब कोहली के लिए उसके फ़ैन आगे आएँ और कुछ ऐसा करें इंतज़ाम के वो फॉर्म में आ सके देखिए कोहली जैसे बैट्समैन को अगर सात या आठ इनिंग में पचहत्तर रन वो बनाता है तो ये तो बहुत वो शर्मिंदगी की बात है कि इतना बड़ा बैट्समैन वो इस तरह से जो है फ्लॉप हो जाए ऐसे में तो अगर मैं कप्तान होता ऐसे में तो मैं शायद पहले राउंड के बाद ही कोहली को एक एक मैच में आराम कराता हाँ। ताकि वो अंदर से उसके जज्बात जागे वो इनफॉर्म होने की कोशिश करे क्योंकि इस तरह तो मतलब लापरवाही लापरवाही की ला तरह खेल रहा है वो कि बस जैसे जैसे कोई कोई नहीं है जैसे शायद खेलते थे शास्त्री के, भी ये कह रहे हैं विराट गेम वो शॉर्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ऐसा तभी होता है जब बैट्समैन आउट ऑफ द फॉर्म होता है देखिये इस वक्त विराट कोहली ऐसे खेल रहे हैं जैसे शायद आफ्रीजी खेलते थे कि आने से पहले जो है वो जाने के लिए फैसला कर चुके होते थे अब क्रीज पे इतनी देर के लिए आते थे कि हाँ। जब उन्होंने कहा छह गेंदे भी खेलनी है तो वो छह गेंदे ऐसे ही खेलनी है कि पता ही नहीं चलता कि कैसे खेली उन्होंने और उसके बाद फिर वो आउट होकर चले जाते थे तो विराट भी इसी तरीके हाँ। से खेलने लेकिन छह गेंद भी खेल खेलने तो छह गेंदों का रिजल्ट शायद वाला नहीं दे रहे वो लेकिन तो, भारत का तो अब मीडिया भी कह रहा है कि विराट कोहली फेक किंग है आ, फेक किंग रिकॉर्ड की बुनियाद पर तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन इस इवेंट की बुनियाद पर मैंने कहा है और बार बार कहता हूं कि इस किंग का क्या फ़ायदा अब उससे पानी तो नहीं भरवाना ना उस वर्ल्ड कप उठवाना है तो जब वर्ल्ड कप उठवाना है तो इस किंग पे कर्ज है कि वो फाइनल में परफॉर्म करें चूंकि ज़रूरी नहीं कि रोहित शर्मा और यादेव ही परफॉर्म करते रहें आप पे जिम्मेदारी है विराट कि आप अपनी टीम के लिए इस फाइनल को यादगार बनाएं और शायद ये आप का वैसे भी वर्ल्ड कप का आखिरी फाइनल होगा आखिरी इनिंग होगी तो इस इनिंग को भी आपको यादगार बनाना है और ये ये हमसे ये आपको खुद का वो यकीन मुझे उम्मीद है कि तमाम जादुओं को तोड़ के तमाम काले जादू से निकल के नींबू काटे सुई लगाए कुछ भी करें भुजन करें बस कुछ भी करें विराट को अब फॉर्म में आ है एक इनिंग में आप दीदा हो गए थे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे फिर राहुल ड्रेविड गए थोड़ी तसल्ली दी फिर रोहित शर्मा ने भी कह दिया कि ये तो हमारे मैच विनिंग प्लेयर हैं और कोई बात नहीं उन्होंने रनस अभी फाइनल के लिए बचा के रखे हैं अल्लाह करे रोहित शर्मा की बात पूरी हो चुका रोहित ने कल जो इनिंग खेली है वो इनिंग भी बहुत शानदार थी और एक कैप्टन इनिंग थी और उनिंग की इनिंग ने जो है वो जीत की बुनियाद भी रखी है क्योंकि वो और यदे के अलावा जो है कोई भी सूर्या के अलावा कोई भी नहीं खेल सका और किसी ने इतनी हा टैलेंडर ने बीस पच्चीस रन जरूर बनाए लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को मुकाबला करना है तो इसके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा

मुझे नहीं लगता कि विराट जैसा बड़ा बैट्समैन वो इस किस्म की कोई हरकत करेगा वो ये उसका यकीन बैट पैच चल रहा है और हर प्लेयर में ऐसा लेकिन आता बैट पैच है। बैट हमारे भी बाबर एक में भी मैच ऐसा में दो मैच, मैच में तीन मैच में चलता है ना यहाँ तो सात मैच लगातार हो गए हैं आपको याद होगा कि लास्ट वर्ल्ड कप में बाबर ने सिर्फ एक इनिंग खेली थी पचास रन की बाकी सात इनिंग उनकी भी नाकाम थी तो बैट पैच आता है यकना इस वक्त विराट पे भी आया हुआ है मेरी जो ख्वाहिश है विराट के साथ है कि विराट इनफॉर्म हो और वो एक परफॉर्मेंस दे और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के लिए मैं कहूंगा हाँ। कि यकीनन आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है एक जमूत को तोड़ा है आपने और आपसे उम्मीद है कि टाइटल आप उठाएंगे See, देखते हैं कि टाइटल कौन उठाता है क्योंकि दोनों ही टीमें अभी तक अनबीटन हैं इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं लेकिन बाबर के साथ जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया उन्हें ट्रीट कर रहा है यही हाल अब विराट कोहली का है इंडियन मीडिया भी उन्हें ऐसे ही ट्रीट कर रहा है क्या कुछ उनके लिए कहा जा रहा है यह भी आप तक पहुंचाएंगे बटवाइट आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स टी ट्वेंटी 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 फोर और जहाँ दुनिया भर में विराट कोहली पर तनकीद होती नजर आ रही है क्या उनके अपने फैन जोन पर तनकीद कर रहे हैं वहीं राहुल द्रविड काफी ज्यादा पुर उम्मीद है और उनकी जानब से भी कहा गया है कि आई एम नॉट जिनिक सिंह बट आई थिंक दैट अ बिग वन फ्रॉम विराट कोहली इज कमिंग अप इन द फाइनल असगर क्या कहिएगा अब देखिए बात यह है उम्मीद पर तो दुनिया कायम है लेकिन एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और मुझे जो लग रहा है कि विराट की जो गलतियां हैं वो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उस गलतियों के हिसाब से उसका खुवियाज़ा उसकी जो है टीम भुगत रही है मैं समझ रहा हूँ कि अब विराट को जैसे मैं पहले भी कहा कि एक इनिंग उस पर ड्यू है वो ये एक इनिंग खेल के अपनी उन तमाम गलतियों का इजाला करें चूंकि वो पिछले तमाम इनिंग्स में इस वर्ल्ड कप में टीम पर एक बोझ नजर आए यकीनन उनको एहसास है इसलिए वो उनकी आंखों में आंसू भी है विराट कोहली टीम पर बोझ तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है इस वर्ल्ड कप में तो बोझ ही रहे ना क्या किया उन्होंने भाई अगर कुछ करते तो बात थी ना यार हम अगर बाबर आजम नहीं करता तो हम क्या नहीं कहते तो क्या विराट अगर कुछ नहीं कर रहा तो हम उसको क्या करें? कर रहे हैं मतलब मतलब कहाँ चीजें गलत हुई हैं चीजें क्या गलत हुई हैं देखिए जब एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको खुद ये बात समझ जानी चाहिए और मेरी समझ में सिर्फ एक बात नहीं आ रही कि क्या वेस्ट इंडीज की और अमेरिका की विकटें इतनी डेंजर है हाँ। कि किंग कोहली वहां खेल ही नहीं पा रहे मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि दुनिया का हर बैट्समैन कुछ ना कुछ जो टॉप बैट्समैन है वहां खेल ही रहा है इवन के बाबर ने भी कुछ स्कोर किए लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा वो कौन सी वजह की, की जानिब से जो इंडियन हैं उन्होंने वाले है। फैंस का इतना प्रेशर था फिर रोहित शर्मा ने भी कहा था विराट कोहली उन्हें चाहिए टीम के अंदर तो डैशन को खिलाना पड़ेगा विराट कोहली तो ऐसे ही हो गए ना रोहित शर्मा के लिए जैसे हमारा कप्तान कहता है कि शादाब जो है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और शादाब का पूरा रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है तो अगर और फिर मैं आपको बताऊं ये इंडियन टीम में ये चीज है चूंकि जब बांग्लादेश में टी वर्ल्ड कप हुआ था तो मैंने धोनी से पूछा था कि योगराज जो है आउट ऑफ तो फॉर्म है आप उसको कंटिन्यू खिला रहे हो और अहम तरीन मैच भी आप उसको खिला रहे हो तो उसने भी यही कहा था कि योगराज बहुत ज़रूरी है और उस वक्त वो एक बहुत बड़े मर्ज़ से चूँकि बैकअप करके आए थे पूरा इलाज करा कर आए थे तो उनको सपोर्ट भी करना था तो धोनी ने भी यही कहा था कि योगराज बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से ही वो हारे भी थे तो अब मैं ये क्या कह सकता हूँ कि अगर विराट की वजह से अगर इंडिया हार जाए

ठीक है शर्मा जी आपने जो कहा हम भी सुन लेते हैं हम भी देख लेते हैं कि आया विराट आपके लिए कोई अच्छी चीज ला लगे अच्छा आजकल अच्छा वेस्ट इंडीज में भी इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है अब बाबा दोस्त में फाइनल होना है और कहा जा रहा है कि वहां पर भी अन इवेंट किस्म का बाउंस होगा और फास्ट बॉलर को वहां पर ज्यादा आसानी होगी क्या आप समझते हैं या आप देख रहे हैं फाइनल में विराट को या आप समझते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट कोई और हो सकता है अरे रिप्लेसमेंट तो ज़रा कोई नहीं हो सकती क्योंकि जब आपने सारे मैच खिलाए हैं तो अब आप उनको फ़ाइनल भी खिलाएंगे और आखिरी मौका भी देंगे क्योंकि अगर रुख सकती भी होती है तो बाज़्ज़त तरीके से हो हर प्लेयर की ये मेरी तो ख्वाहिश है मैं नहीं चाहता कि इस तरह के कोई प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर वो भी प्लेयर और अचानक गुमनाम हो जाए और उसके आखिरी इनिंग जो वो खेली जा चुकी हो ऐसा नहीं है बाइज कोहली इस बात को डिज़र्व करते हैं कि वो जब भी रुखसत हो बाज़्ज़त तरीके से पुरवकार तरीके से रुखसत हो बार विकेट हमेशा इवन एन इवन बाउंस बाउंस रहा है वहाँ पे लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजर बात यह है कि बारिश के इम्कान है और शाम छह बजे तक बारिश तो रिजर्व दे रखा गया है कि किसी तरीके से इस फाइनल को पूरा कराया जाए लेकिन बारिश होगी तो बॉलर्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी हाँ। तो उसके लिए मजीद जो है अपने सफों में जो है जो खामियां हैं बैटिंग की उसको दूर करने की जरूरत होगी इंडिया के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी लेकिन शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि इंडिया को अब कोई भी रोकने वाला नहीं है इनफैक्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका को मशवरा दिया है कि अगर आप टॉस जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग करें वरना उसके बाद आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा देखिए शोएब अख्तर के फॉलोअर्स जो है ना यूट्यूब पे वो उनको खुश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है और जाहिर है ऐसा बयान देना कि कोई भी तो क्या रोजी रोटी चला रहे हैं वो अपनी। बस यही समझ लें कि रोजी रोटी चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आप मुझे बताएं कि दो टीमें जब हम पलना है आप रिकॉर्ड देख लें दोनों अनबीटन है और वर, आ, 79, 79 के बाद ये पहला मौका है कि दो टीमें जो कि अपने तो पूरे इवेंट में शिकस्त नहीं खाई हो वो आपस में टकराएंगी और जो हारेगा वो उसका पहला मैच होगा कि वो हारे और पहली बार कोई अनबीटन रहते हुए जो है वो ट्रॉफी उठाएगा अब इतने ये मतलब अख्तर जैसा बंदा जिसका इतना क्रिकेट पे इतना उसकी ग्रिप दे इतनी उसकी बात है वो ये वन साइड बयान कैसे दे सकता है इसका तो मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ अपने फॉलोअ

तो आपके फॉलोअर्स में इजाफा होता है और अगर, अगर शोएब अख्तर हो गए हैं नजर आ रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और फर्स्ट डे ही 525 सौ बना दिए हैं तो जो अच्छा खेल रहा है वो नजर आ रहा है उसकी तारीफ तो बनती है तो क्या साउथ अफ्रीका ने बुरा खेला उसकी तारीफ नहीं बनती बिल्कुल बनती है तो फिर क्यों नहीं कर हैं आप मिसाल तो तो आप आप दे रही हैं तो आप साउथ अफ्रीका की बात क्यों नहीं कर रही है अगर पांच सौ बना दिए हैं तो आप ये भी तो देखें अगली इनिंग में क्या हाल होगा ये भी तो कि साउथ अफ्रीका कहीं छह सौ ना बना दे तो ये ये पहली इनिंग की मिसाल देकर हैं। अभी जैसे दुल्हन का उठाया आप सारी बातें कर दे तो ऐसा नहीं होता आपको की की हम... गलत रन नहीं दे सकते, इसको रुख नहीं दे सकते। आ, मैं ये मानता टीमें बैलेंस है दोनों आ, टीमें आईसीसी ट्रॉफी उठाने की अहलियत रखती है जो अच्छा खेल जाएगा लेकिन फाइनल खेलने का किसका एक्सपीरियंस भारत को ज्यादा है फाइनल खेलने का इतने अर्से से तो, तो दस साल बाद आया खेल इतने इतने अरसे ट्रॉफी क्यों नहीं उठाई तजर्बा अगर इतने तो हमने भी नहीं उठाई वो तो बाबर ने भी नहीं उठाई देखिए, हमने तो बाबर ने नहीं उठाई कोई बात नहीं लेकिन हमने हमने बहुत करीब 2017 में ट्रॉफी उठाई है ज़्यादा दूर नहीं ठीक है ना उठाइए ना दो हजार नौ में हमने ट्रॉफी उठाई है, है, है? तो तो है।, है, हाँ। है कि जो ट्रॉफी उठाता है उसको घर भेज देते हैं हाँ। तो इसीलिए बाबर ने नहीं उठाई की उसको भी घर ना भेज दे सही अब बाबर की बात हो रही है तो आपको पता ही है बांग्लादेश सीरीज होने वाली है क्या लगता है आपको बाबर को खेलना चाहिए बिल्कुल खेलना चाहिए क्यों नहीं खेले भाई आप तो है ही टेस्ट टीम के लिए आपको कुछ हो टी ट्वेंटी में भेज के पूरा एक आपके जो बैटिंग स्ट्रक्चर है या जो आपकी उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप खेले टेस्ट खेले और दो क्या? आप सौ टेस्ट खेले सारे रिकॉर्ड ब्रेक करें आप और आप कर सकते हैं लेकिन अपने आप को उस मेरिट पे खेलें जिस मेरिट में कुदरत ने आपको सलाहियतें दी हैं कुदरत ने कप्तानी की सलाहियत नहीं दी है तो कप्तानी खुद छोड़ें और छोड़ने से पहले कौन से माफी जरूर मांगे लेकिन इस सीरीज से कहा जा रहा था कि बाबर रिस्वान और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है जो नया टैलेंट है उससे आगे लाया जाएगा लेकिन आप नहीं समझते अगर यही प्लेयर्स खेलेंगे तो वो जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स हैं उनके साथ ज्यादती होगी देखिए बेंच पे बैठे प्लेयर तो बिल्कुल ज्यादा होगी लेकिन आप मुझे ये बताएं जो हमारा जो डाउनफॉल है क्या वो टेस्ट में आया है वो तो में आया है ना ओडीआई ओडीआई में 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 भी 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 है 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 टेस्ट ठीक ना आया और बाबर की तो सलाहियतें हैं तो शाइन तो पहले भी रिटायरमेंट ले चुके थे टेस्ट से दोबारा आए तो बाबर को अगर टेस्ट में चांस मिलता है और वो खेलते हैं तो मेरा ख़्याल इसमें कोई बुराई नहीं है बाबर इन्फॉर्म हो सकते हैं उनको मौका मिलना चाहिए और टेस्ट की पूरी मुकम्मल सलाहियत रखते हैं वो टेस्ट प्लेयर हैं उनको टेस्ट बिल्कुल खेलना चाहिए हाँ रिजवान को लेने से फ़ायदा नहीं होगा चूँकि हमारे पास सरफराज है और सरफराज की टेस्ट परफॉर्मेंस सबके सामने है तो मेरा ख्याल है कि नो इशू बाबर जो है वो पहने जाएँ बांग्लादेश के खिलाफ खेलें और वैसे भी आप छोटी टीमों के खिलाफ बड़े रन बनाते हैं तो हो सकता है इस बार भी आप बहुत सारा स्कोर कर दें ठीक है और अभी तो कुछ टाइम पहले ही कम हुआ था सरफराज का शाहिद आफरीदी ने करवाया था आ, शाहिद ने तो खैर नहीं करवाया था लेकिन सरफराज डिजर्व करते थे शाहिद आफरीदी सिलेक्टेड थे थेक्टेड तो थे तो उन्होंने कोई जबरदस्ती आसान तो नहीं किया था ना वो डिजर्व करते थे मेरिट पे आए थे ऐसा नहीं था उससे पहले वो टीम में नहीं थे ना नहीं उससे पहले टीम में नहीं थे वो अलग बात है लेकिन आवाजें तो उठ रही थी ना और हमने भी शायद से सवाल किया था हमने भी पूछा था तो शायद ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ उसके साथ नाइंसाफी हुई उसको टीम में होना चाहिए तो ऐसा नहीं।, नहीं है कि किसी ने उस पर एहसान कर दिया हो तो वो अगर मेरिट पे आया है तो बिल्कुल आए अभी भी वो मेरिट पे है मेरे मेरे हिसाब से क्योंकि टेस्ट में उनकी पोजीशन अच्छी वहाब रियाज की रिपोर्ट डेफिनेटली देखी होगी क्या कहेंगे इस बारे में वो कह रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने स्किलफुल क्रिकेट नहीं खेली है फिर वो जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट

तो सवाल ये पैदा होता है पहले तो पीसीबी इस बात पे तो दे कि वहाँ कौन से ऐसे लोग हैं जो आ, हर रिपोर्ट को जो है वो मीडिया के हवाले कर देते हैं और फिर उस पर वक्त से पहले बातें शुरू हो जाती हैं नो डाउट जो चीज़ें सामने आई है मुझे नहीं मालूम वो 100 परसेंट सही है या दुरुस्त है बट वो सारी चीज़ें वही हैं जो हेड कोच ने ड्रेसिंग रूम में इनसे की थी टीम से तो मेरा ख्याल है कि आ, असल बात वही है टीम में ग्रुप बंदी दोस्ती यारी और लेकिन उस रिपोर्ट में ना कर्फ्यू टाइम का भी जिक्र है और सारा मलबा उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर डाल दिया अब देखिए नहीं सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ साथ उन्होंने जो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा कि 12 बजे के बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई भी प्लेयर कर्फ्यू टाइम्स के बाद बाहर निकल जाता तो किन हाँ, कवाली कैफे तो का जिक्र किया गया है और इसमें कहा सुरे, जा रहा है कि सुरे, एक बजे के बाद टीम उधर पहुंची है अरे भाई बाकरी वहां जो गए थे ये कैफे जहां 25 डॉलर वाली बात हुई थी वहां बकौल बाकरी के कि वो वहां पे वाहिद जर्नलिस्ट पाकिस्तानी था जो वहां मौजूद था अब अगर मैं वहब रियाज की इस बात को एक्सेप्ट कर लूं तो क्या मेरा जर्नलिस्ट भाई गलत बयान कर रहा है तो रियाज साहब थोड़ा सा देख लें कि आपकी चीजों को लोग जानते हैं मेरे हिसाब से आप यहाँ मिस कोट कर गए क्योंकि इस वाक्य का तो एनी शाहिद मौजूद है फिर बिल्कुल मौजूद है लोगों ने बाखरी ने पूरी वीडियो की उसने उसमें सारी हकीकत बताई है उसने कहा कि भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा सीन है मैं खामोशी से चला गया और उसने बाकायदा ग्यारह पैंतालीस ऐसे को उसने टाइम बताया था या ग्यारह चालीस कि टीम जो है तीन चार लड़के इस वक्त आए और फिर खुद एक साहब और बड़े आए टीम के मैनेजमेंट में से तो वो तो एनी शाहिद है तो आप, है। आप बोले फिर बाकरी के ख़िलाफ़ आप भी एक नोटिस देते हैं आप तुम लोग को दिया ना आपने तो आप बा को भी देते फिर ठीक है और अब ये भी बातें जवान जद आम है कि आईसीसी की जानब से भारत को फेवर की जा रही है संजय मंजरेकर की जानब से भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट सामने आई है क्या कुछ उन्होंने कहा है और जो फॉर्मर हमारे क्रिकेटर्स हैं इस मतलब वो क्या कह रहे हैं विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक टू स्प्राइट कॉमेंट्री बॉक्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्पेशल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट कॉन्ट्रोवर्सी एंड ड्रामा और अहमद शहजाद ने जी अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है उन्होंने तस्करा किया है दो हज़ार ग्यारह के सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मोहाली में खेला गया था तो अजकल वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कप्तान पर भी और बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि कौन से फ़ोन थे जो आ रहे थे उस वक्त अहमद शहजाद जो है ना ये तो ख़ुद शाहिद आफ्र का फ्रंट मैन था और इतनी क्लोज़ इनकी दोस्ती थी इतने ये शाहिद के काम आते थे और शाहिद इनके काम आता था कि लोग इनकी दोस्ती पे बातें भी बनाते थे अब मेरा ख़्याल है कि अहमद शहजाद रेटिंग हासिल करने के लिए वो जो चाहे वो कह सकते हैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अहमद शहजाद भाई प्यारे भाई आज आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बता दे कौन से फोन कॉल आए थे हाँ। बता दे क्यों आ रहे थे कुछ तो बताए अच्छा नहीं, फाइनल भी नहीं थे ले ले थे। आ, की है। करके शायद आफरीदी पे आप जो है तनकीद करके आप अपना कद ऊंचा नहीं कर सकते हाँ। शाहिद आफरीदी पाकिस्तान की जानी से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लेने वाला खिलाड़ी है शाहिद आफरीदी वो प्लेयर है जिसने उस वक्त टी ट्वेंटी क्रिकेट शुरू की जब दुनिया में कोई टी ट्वेंटी क्रिकेट नहीं जानता था यानी वो वनडे और टेस्ट टी ट्वेंटी के स्टाइल से खेलता था सैंतीस गेंदों पे सेंचुरी वसीम अक्रम कप्तान थे उसको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये बना देगा सैंतीस गेंदों पे सौ रन जबकि बात कर रहे हैं कि दो में हम जीत सकते थे तो ज्यादा यार 2011 में तो मिसबा टुक टुक कर रहे थे हाँ। वो वहीं से मशहूर हुए वहां का डेब्यू हुआ था तो 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 अहमद तो, शहजाद साहेब प्यारे भाई अगर बात करनी है तो मिसबा पे कर ले कि मिसबा टुक टुक क्यों कर रहे थे

इसी मिजबा ने कहा था ना जब यूनुस ने कहा कि यार विकेट पे थोड़ी देर रुक जाते तो मिजबा ने कहा तुम कौन से रुक गए कप्तान को ये जवाब दिया जाता लेकिन... है ओ भाई अस्कर लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उनकी अपनी क्या परफॉर्मेंस थी पांच मैचेस 44 रन हाईएस्ट 13 रन भाई उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो उनका सबसे ज्यादा है और अब मैं अगर टीम में मैं वापस आता हूं तो उनका स्ट्राइक रेट मैं आई थिंक 150 या 160 का शायद उन्होंने कहा है कि इतना मेरा कम से कम होगा ओ भाई रिकॉर्ड चेक कर ले अपना देख ले ऐसे तो खुद मान चुके हैं कि मेरे स्ट्रेट तो बाबर से भी ज्यादा घटिया है <laughs> <laughs> देखिए मैं बर रास्त ऐसी कोई बात करना नहीं चाहता अहमद शहजाद भाई आप अपनी सलाह खुद करें आप तो माजी में अजीब अजीब सी हरकतें भी करते रहें तो जरा उन पर भी गौर करें और बात अधूरी कभी ना करें तो अगर कोई इल्जाम लगा लेकिन ये हरकत आप ना करें के आप इस के जो है ना लगाएं। अगर वर्ल्ड कप था हजार ने एक्सर भी नहीं किया था शायद को एज ए कैप्टन तो मैं मिसबा का एक पुराना इंटरव्यू देख रही थी मिसबा ने उसमें रंस चाहिए होते हैं ना रंस तो बना रहा था बेशक टुक टुक करके क्यों ना बनाऊं वही मसला है ना कि भाई पूरा मैच हाथ में था आपने जान बुझ कर वहां पर स्लो क्यों खेला सवाल तो यह पैदा होता था अहमद शहजाद को तो मिर्बा से ये सवाल करना चाहिए था कि भाई हमारे मिशबा भाई आपने ऐसी हरकत क्यों की जब तो एक मैच हमारे पास इजी आ रहा है तो क्यों उस मैच को सलोक किया क्यों आपने जो है रन रेट में इजाफा किया और क्यों मुश्किल पैदा की और फिर कैच भी तो ड्रॉप हुआ था क्यों बोल रहे हो सारी बातें करोगे क्या छोड़ो यार अहमद शहजाद भाई आप बेकार की बातें करते हैं यार और ये, आप मिल गया है। तो, नहीं ये है उसी वक्त करने वाली बातें थी ना ये अब आप उनको 2024 में याद आ रहा है नहीं नहीं बात ये नहीं है बात ये है कि अहमद शहजाद को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसके वो अहल नहीं है और वहाँ बैठ के वो जो चाहे बोले ये समझ कि जैसे मद और आमिर टीम में वापस आ गए थे ना ये सब करने के बाद तो शायद उनका भी कोई चांस लग जाएगा ऐसा कोई चांस नहीं लगता Uh, मुझे नहीं लगता कि अहमद शहजाद साहब आप टीम में वापस आएंगे टीम में आपकी जगह नहीं बनती है और वैसे भी uh, मैं तो आमिर और अम्माद वसीम की वापसी के भी मुखालिफ हूं कि जो चला गया सो चला गया नए लड़कों को चांस दें डोमेस्टिक के लड़कों को चांस दें यह इसलिए सोशल मीडिया पे तो यह चल रहा है कि उन्हें टी ट्वेंटी का कप्तान बना दें किसको अहमद शहजाद को बंद कर दें टीम टीम बंद कर दें किसी अपने दफ्तर में एल डाल दें

बताए ना कौन कर रहा है हाथ हाँ, बताए ना, ना नहीं नहीं कि जब कोई के लीडर्स आपको प्यार मोहब्बत से लेकर आई तो आपने क्या गुल खिलाए थे बता दे नदीम, बता उमर को को क्या क्या नदीम उमर, को भी कह चुके हैं वैसे नदीम उमर को भी कह चुके हैं वैसे वो <laughs> मैं वही तो कह रहा हूँ बताए ना कि भाई नदीम उमर नहीं खेलूंगा नदीम उमर इंतहाई नफ्स इंसान है और वो लोगों की चीजों पर पर्दा डालते हैं अगर उन्होंने जबान खोली तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी चूँकि अहमद शहजादी नहीं वो उमर अकमल को भी लेकर आए थे ठीक है लेकिन आपकी जबान खोलने वाली बात से ना मुझे आई की याद आ गई है क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स काफी ज्यादा तनकीद रहे हैं खासकर पिचिस को लेकर और डेफिनेटली अब वक्त की हमें सामना है तो इस पर हम कल बात करेंगे इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत कल होने वाला है फाइनल सबकी नज़रें भी उसी के साथ हैं और मेरे साथ मौजूद थे मेरे पैनलिस्ट असफर अजीम आपका भी बहुत शुक्रिया कल होती है आपसे फिर मुलाकात सेम टाइम सेम प्लेस टिल्लाफ